हमारे साथ इस समय वो श्रमजीवी श्रमिक हैं जिन्होंने पूरे 17 दिन उस टनल में बैठकर गुजारे। आइए जानते हैं इनसे क्या था पूरा मामला, कैसे फंसे, क्या हुआ घटनाक्रम, इनसे जानते हैं। जी बताइए। हमारा ये जो वीडियो है ब्लर करके चलाए, किससे दिखाए ना, ये हमारी घटना के क्रम स्थल उत्तराखंड बरकोट टनल में हुआ था। हमारा क्या था, हमें नाइट ड्यूटी थी, शाम 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हम अपना ड्यूटी करके 3 बजे वहां पे बैठा था। हमारा ड्यूटी था आधे घंटे की, 3 से 7 मशीन हमारा खत्म हो गया। मैं उतना देर बैठा अपना, हमारे जो भी परिजन थे, बहुत से और लोग थे, ये काम हो गया, वो 11 बजे 10 बजे ही निकल गए। हम लोग का काम 3:30 बजे तो हम निकलने का है, इसलिए हम वहाँ बैठे थे। बाकी बात और लोग थे जो कि वहाँ पे साथ में थे, हमारे सब में थे। एक बाइक मैंने 4 बजे लगभग मैं सोया था, तो मेरे को पता चला मेरे मूसा जी हैं विश्वजीत, जो उस घटना पे थे वहाँ पे वो ग्राउटिंग कर रहे थे। ग्राउटिंग पंप होता है जिसमें अपना सीमेंट तो घोला डालते हैं, वो ग्राउटिंग करते हैं जी, वो ग्राउटिंग कर रहा था। तो पता चला कि वो जब लगभग यही कोई 12 या 1 बजे एक दो टुकड़ा ऊपर से गिर रहा था, तो हमें कुछ अनुमान ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है, हमें सोचना पड़ता है कभी कभी क्या हो कि जब लोहे का जो डाल जाता है ना ऊपर में सड़ने, उससे वो कभी छुटी गिरता है, वही गिरा था। हम तो उसे सोचे ध्यान नहीं दिए कि वो कैसे क्या होगा, हमसे तो उससे गिर रहा होगा, इसलिए हम लोग सामने आए। बट क्या हुआ कि जहाँ पे गिरा वहाँ पे हमारे 3 बंदे थे, सोए हुए थे, जियो ही जस्ट उसके बगल में गिरा, मात्र वही 1 मीटर लगभग गिरा था। हमने उसे उठा के भगा दिया, भाई तुम भाग जाओ ऊपर से गिर। उसको भगाने के बाद क्या हुआ, बस 2 मिनट का या 1 मिनट का टाइम दिया होगा हमारे पास, मात्र पूरा पहाड़ एक बाइक के ऊपर, वो भी मैक्सिमम लगभग 30 मीटर, मैक्सिमम 30 मीटर गिरा। फिर वहाँ के जो लोग थे, 2-4 वर्कर थे, ऑपरेटर हमारे मौसा जी थे, वो पूरा यहाँ से वहाँ तक दौड़ते चले गए और पूरा हल्ला किए, भाई पहाड़ गिर गया, जेसीबी मंगाओ, क्रेन मंगाओ, जो भी हमारे पास मशीन था हमने वो भी लेके आया। हमारे सब्बा सर थे, सीनियर फोरमैन, जूनियर फोरमैन गब्बर सिंह नेगी थे, बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, बहुत सारे वर्कर थे, लेबर थे, सब लोग आया। जब देखा कि 30 मीटर गया, मन लगा कि 30 मीटर गिर चुका है, तो हमने छोड़ दिया। फिर मैं कोशिश फिर देखा हम लोग कि अब कुछ तो उपाय हमारे पास पहले निकलने का, मशीन लगाऊंगा तो और ऊपर से गिर ही रहा था, जितना उसमें हवा लगता है तो उतना और वो तेज गिरता जाता, तो हमने इसे छोड़ दिया। बोला भाई छोड़ दे इसे, अब देखो भगवान जो करना होता है। हमें डर इतना ज्यादा हो गया था कि मरने का सोच, बहुत कोई लोग सोच रहा था, मैं भी उसमें सोचा था, ऐसा बात नहीं सोच रहा कि जब मैं मर जाऊँ अभी अच्छा रहेगा, या जो भूखे मरना उससे अच्छा अभी मर, इतना सोचा था। फिर मैंने सब मेरे जो विश्वजीत किए हैं और लोग सब बोले भैया रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं होगा, देखा जाएगा बाहर वाला, भगवान जब तक टाइम है तब तक रुक जाओ, भगवान देखने वाले ऊपर टाइम रहता। हम लोग रुक गया। फिर हम लोग पास क्या था, सोने के लिए जियो आता है, हम लोग टनल में उपयोग करते हैं कॉन्क्रीट शॉर्टकट मारने बाद जियो डालते हैं, उसके बाद वाटरप्रूफ डालते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्क्रीट करते हैं, तो जियो कम्बल की तरह आता है, वो पतला टाइप आता है, उसको जो भी करना है कर सकते हैं, नीचे भी। हमने वो लाया, उस पर सो गया, रात दिन बीता, रात बीता, फिर जब रात हुई, रात तो बिताया था हमने, फिर भी दिन बिताया, फिर रात जब हुई तो हम लोग क्या कहते, रात को जैसे 8 बजे था उसी टाइम हम लोग जितना भी मतलब पैप था हमारे पास, पानी का पैप था, वो कटिंग कर दिया कि बाय चांस कोई किसी को हवा भेजे कुछ बोले तो हमें इधर सुनाई दे, हमने सारा चीज कटिंग कर दिया। तो फिर क्या हुआ, कटिंग करने के बाद हम लोग सो गए, अभी आवाज आ नहीं रहा, हम लोग इधर से भी आवाज भी दिया तो सुनने नहीं आया, हम लोग सो गए। सोने बाद 2 बजे आवाज आता है हमें रात को कि भाई मतलब एक हमारे यहाँ पे है नाम का इलेक्ट्रिशियन है, वो उनके आवाज आता है, मानिक आवाज आ रहा था, तो वो ही सुना, माने की सुना कि कौन आवाज दे रहा है, वो फटाक से पाइप के पास गया, हम लोग को उठाया, भाई को आवाज देते हैं, हम लोग बाहर आवाज दिए, बाहर बोले भाई हम लोग को ऑक्सीजन दो, बचा रहे कुछ उपाय करो, तो उन लोग ने क्या किया कि ऑक्सीजन तो दे दिया तुरंत, फिर उसी साथ बोला भाई मैं मुड़ी भेजता हूँ, सूखा मुड़ी भेजा जी, फर्स्ट बार जो मुड़ी आया था सिर्फ सीमेंट आया था, मैं उसी को खाया था, सिर्फ सीमेंट वाला, उसके बाद सीमेंट वाला मुड़ी खाया, बिल्कुल पाइप में वो जो पानी आती है ना उसमें जस्ट आती है ना सीमेंट वाला, वो पूरी जमीन हुई थी, हमने उसे जब निकाला तो सिर्फ पूरा भीगा हुआ बिल्कुल सीमेंट था, भूख से हमने वो भी खाया। इसके बाद जब वो हो गया तो फिर हमें फिर बोला भाई और भेजो, बार बार वो भेजता रहा
एक समय वो लगातार 6-7 बार 10 बार भेजे, 10 बार में सबकी हल्का कर देते, भूख नहीं लगी। जैसे मैं पता किया, भाई बाहर क्या चल रहा है बताओ हमें, बाहर की कंडीशन बताओ, मशीन चल रही। तब बाहर से हमारे सुखदेव सर आते हैं, वो घर गए थे छुट्टी में, सुन के वो फटाक से रात रात फ्लाइट से वो आए। वो बोला ठीक है भाई मैं आ गया हूँ, तू टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं फटाफट लोडर से मकिंग सब निकलवा रहा हूँ, उसने ये बोला। फिर क्या, वो उसने 30 मीटर का मकिंग निकाला, 30 मीटर का मकिंग निकाला। निकालने के बाद फिर वो खाने की दोपहर में गए थे, बस वही 1 घंटा बीच में फिर 30 मीटर मकिंग से आगे पूरा भर गया, फिर रास्ता पूरा पेक। फिर उस दिन जब रात हुआ तो फिर रात को फिर गिरने लगी, 2 बजे रात तक कभी भी 10 मीटर पांच में कोई दस्ता रोज गिरता। उससे हमारी डर इतनी हो गई उसकी डर से हमारी जो धड़कने, हमारे सारे लोग की धड़कने नीत नीत धड़कने लगी, जो बहुत ही खुश। तो 17 दिन में क्या क्या किया आप लोगों ने अंदर, आपको कैसे पता चला कि भाई हमें कोई बचाने आ रहा है? बिल्कुल, हमारे जो 4 इंच की पाती जिससे हमारे खाना ऑक्सीजन आता था, उसी में आवाज हम उधर से बोलता वो बोलता था, इधर से बोलता हम सुनते थे, इस तरह हमारे बातचीत होते रहते। वही बताया कि भाई हम लोग काम लगे हैं, ऐसे वैसे चलना, जो भी हमारा काम था उसने सारे चीज बताया। बोले ओके ठीक है, जब चल रहा है तो चलने दे। हम लोग को और धैर्य आया कि नहीं, अब जब 40-30 मीटर आ गया, 10 मीटर तो कभी भी खुद सकता है, तो हम लोग सोचा बच गए। नहीं फिर जब गिरा तो हमें और टेंशन बढ़ गई। लेकिन और खाना, योगा, सब लोग सब कुछ किया आप लोग? जी हम क्या क्या किया वो बताइए, दिनचर्या बताइए, थोड़ा जनता सुनना चाहती है, दर्शक सुनना चाहते हैं। जी जी, क्या है, हमें जब खाना मिली, जब शरीर में ताकत आई, तो हमारी टनल की लंबाई 2 किलोमीटर है, अंदर टूटने के बाद 2 किलोमीटर हमारा स्पेस बचा था। हमें वही सुबह खाता, मतलब मैक्सिमम जो जितना 1 किलोमीटर को 1/2 किलोमीटर जितना अपना टहलता, कुछ योगा करता, इससे 2-3 कंटिन्यू चला, खाते पीते, काजू किशमिश सारा चीज आया। ऐसा बात नहीं कि खाली मुड़िया आया, काजू किशमिश जितना भी ड्राई फ्रूट वगैरह सारा चीज हमारे को मिला, कंटिन्यू चलता रहा चलता रहा। इसी का 2-4 दिन हुआ, ताकत आई, फिर हमने दिमाग लगाया अपने में कि भाई हमें टाइम पास कैसे करना चाहिए। हमने कोई एक बंदा था, नाम था इलेक्ट्रिशियन, वो सोनू नाम का बंदा था, उससे दिमाग लगाया कि भाई ने क्यों ने पेपर को काट के ताश बनाया, उसने ताश बनाया। एक बंदे ने दिमाग लाया कि ना क्यों ना मैं इसे चोर सिपाही खेला जाऊं, 10 बंदे दर फंस जाऊं। वैसे ही करके हमने कुछ इधर कभी रात दिन से हमें टाइम पास किया 10 दिन। 10 दिन के बाद जब हमें 6 इंच की पाइप मिली, पता चला बाहर से कि वो मशीन आई है, अपना काम कर रही है, फर्स्ट मशीन आई, वो मतलब 6 मीटर या डाली थी, तो आपको बार पता है, बार कहानी सब पता है आपको, हमें तो सिर्फ अंदर में। अच्छा, एक इस बीच में कभी डर लगा बहुत ज्यादा? बोलता हूँ सर, 3 दिन हमें इतनी डर लगी, दिल धड़क रहा इतना तेज, जो कुछ यही मत। प्रधानमंत्री जी ने जो किया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? शाबाश, थैंक यू, हमारे मुख्यमंत्री जी थैंक यू, सबको मैं प्रणाम करता हूँ हमारे जान बचाने। अच्छा, के लिए विपक्ष कुछ कह रहा है कि कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री ने? देखिए ये विपक्ष की चाल है, दूसरे को बदनाम करने पर सब कोई तुलता है, मैं भी दूसरे को बदनाम करता हूँ, वो भी हमें बदनाम। अच्छा, एक चीज और थी, आपके एक मित्र के फादर की डेथ हो गई मंगलवार वाले दिन, उसी दिन क्या था वो मामला? सर ये तो हमें किसी को नहीं पता, ये मामला जो डेथ हुई ये हमें न्यूज कल पता चली कि उसकी डेथ हो गई मंगलवार के दिन। अब वो भी क्या करे, वो भी कुछ कर सकते नहीं, हम लोग सब शांति से बोले भाई धैर्य रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भगवान की मर्जी, इधर बचाए तो उधर ले गया, मैं सीधा ये बोल दिया, जो इधर बचा है उधर ले गया, वो भगवान की मर्जी थी, खत्म हो गया।